सर आप अपना परिचय दें। मैं पूर्व महामंत्री बार एसोसिएशन गोंडा विनय कुमार मिश्रा। सर ये तहसीलदार के यहाँ जो प्रकरण इस वक्त उठ करके आप लोगों के मध्य आया हुआ है, ये क्या मामला है और कितना अहम है? तहसीलदार गोंडा भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिससे पूरे अधिवक्ता समाज में काफ़ी आक्रोश है। उसी आक्रोश के कारण तहसीलदार के विरुद्ध हड़ताल जारी है। तो ये कुछ सावंत, जैसा कि लोग कहते हैं कि कुछ सावंतवादी और भूमाफियाओं का वर्चस्व यहाँ पे इस तहसील में बहुत ज़्यादा है, क्या ये पूर्णतः सत्य है? बिल्कुल सत्य है, इसीलिए अधिवक्ता गण आक्रोशित हैं। भूमाफियाओं का वर्चस्व जो है तहसील में बराबर बना हुआ है, अधिवक्ताओं का वर्चस्व जो है कायम नहीं हो रहा है तहसील में, इसीलिए टकराव की जैसी स्थिति है। अधिवक्ता इस प्रोफेशन को सम्मान के लिए चुना है, लेकिन उनको सम्मान न देते हुए तहसीलदार गोंडा भूमाफियाओं को सम्मान दे रहे हैं, जिससे आक्रोश। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से तो भूमाफियाओं के कथनानुसार ये काम हो रहा है, तो जो सही लोग हैं उनका अहित होता होगा और जो गलत हैं उनको बढ़ावा मिल रहा होगा। जी, जो गलत हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं तहसीलदार, और सत्य पर ना चलकर जो है, सत्य पर चलकर जो है गलत तरीके से डिसीजन लेते हैं, जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश। थैंक्स सर। आप अपना परिचय दें। मैं नलिन नयन पांडे उर्फ नीलू हुए, जनपद और सत्य न्यायालय गोंडा। ये तहसीलदार की कोर्ट का इस समय अधिवक्ता गणों के द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है, कौन सा ऐसा मामला है? असल हमारे यहाँ तहसीलदार महोदय अपने कर्मचारियों की गैंग बना करके जनता के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप करके और एक भारी भरकम रकम वसूली करके कामों को, फाइलों को निस्तारण कर रहे हैं। जैसा कि हमारे जूनियर अधिवक्ताओं के द्वारा हमारे सदन को सूचित किया गया, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष माधवराज मिश्रा जी, पूर्व अध्यक्ष बिंदुश्री दुबे जी और तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं की संज्ञानता में जब मामला आया, तो इसको सदन के माध्यम से हड़ताल की गई और एक जबरदस्त हड़ताल की गई है। और यह मांग रखी गई है कि तहसीलदार को हटा देना है, और इसके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं नीरज और रितेश बाबू, जिसके माध्यम से तहसीलदार महोदय धनुगाही करा रहे हैं, इसी संबंध में जो आप तहसीलदार के खिलाफ हड़ताल की गई है, और यह हड़ताल अनवरत जारी रहेगी जब तक कि तहसीलदार और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का स्थानांतरण वो नहीं। सर आप अपना परिचय दें। मैं सच्चिदानंद मिश्र एडवोकेट, जनपद न्यायालय गोंडा में जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। इस वक्त तहसीलदार कोर्ट को लेकर के अधिवक्ता गण बहिष्कार कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि बार एसोसिएशन गोंडा के अधिवक्ता गण तहसीलदार गोंडा को लेकर इसलिए हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि तमाम पुरानी फाइलें पेंडिंग हैं, तमाम होने लायक मामलों में आदेश नहीं हो पा रहा है। अधिवक्ता जो है दौड़ दौड़ के रह जाते हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है। दो पेशकारों को लेकर भी बार एसोसिएशन गोंडा के अधिवक्तागण आंदोलित हैं। एक नीरज श्रीवास्तव हैं, वो तहसीलदार न्यायिक के कोर्ट पर कार्यरत हैं, और एक रितेश मिश्र हैं, वो तहसीलदार गोंडा के न्यायालय पर पेशकार के रूप में हैं, और वो डायरेक्ट मुवक्किलों से डीलिंग करते हैं। अधिवक्ताओं तक मुवक्किल पहुंचने नहीं पा रहे हैं, जो मुवक्किल अधिवक्ताओं के पास आ जाते हैं उनका काम कतई नहीं हो रहा है, और पैसे की धनुगाही इस चरम सीमा पर है, न्याय कदाप मिलना मुश्किल हो गया है, इसलिए अधिवक्ता मजबूर हैं आंदोलन करने पर विवश। तो इसका कारण क्या है? ये कुछ लोग कहते हैं कि भूमाफियाओं और सावंतवादियों से भी तालमेल है। ये तो पुरानी परंपरा रही है, तहसीलों में हमेशा से सामंतवादी परंपराएं हावी रही हैं। जो ताकतवर लोग हैं वो माफिया हैं, जो राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति हैं वो हमेशा जो है दबाव बनाकर, तहसीलदार हों चाहे SDM हों, उनके ऊपर तहसील दबाव बनाकर काम करवाते रहे हैं, और अधिवक्ताओं को की अनदेखी हो रही है। चाहे तहसीलदार हों, चाहे नायब हों, चाहे SDM हों, कोई भी वकीलों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बार एसोसिएशन गोंडा के अधिवक्तागण आर पार की लड़ाई लड़ने पर विवश हैं और लड़ेंगे। तहसील में
व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जहां अधिवक्ताओं ने दो दिन पूर्व तहसीलदार पैगाम हैदर के कोर्ट का बहिष्कार कर उनके दो पेशकारों में रितेश मिश्र व नीरज श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की मांग को लेकर अड़े रहे, वहीं सोमवार को जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए इनके द्वारा पूर्व में कराए गए कार्यों की सत्यापन कराने व इन पर लगाए गए आरोपों की सत्यता पर आधारित जांच कराने की मांग की है। परंतु अब देखना ये है कि जिला अधिकारी मार्कंडे शाही कितना उक्त मामले को लेकर संजीदा दिखाई देते हैं और क्या अधिवक्ताओं के मांग को लेकर उक्त अधिकारी व कर्मचारियों का स्थानांतरण होगा अथवा नहीं।